हाय फ्रेंड्स, ये हमारा डे 3 वीडियो है और अगर आपने हमारा डे 1 एंड डे 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके उसे देखिएगा। हमने प्लान किया कि हम डे 3 पर श्री ताड़केश्वर धाम मंदिर जाएंगे, जो कि हमारे होटल से 1.5 घंटे की दूरी पर था। और ये रहे हमारे टैक्सी वाले भैया जो ब्लू शर्ट में आगे जा रहे हैं। ये बड़े ही मज़ेदार थे और इन्होंने हमें लैंसडाउन में इतना मज़ा कराया, इनके कारण ही हम लैंसडाउन में इतना एंजॉय कर पाए हैं। थैंक्स टू भैया। और ये रही मैं। और यहाँ से शुरू होती है हमारे मंदिर की यात्रा। शिवजी के इस मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन को आए हुए थे, बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी हमने अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ही ली और हम अंदर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बाएं तरफ हमने देखा बहुत ही खाली मैदान था, बड़े बड़े पेड़ थे, लोग वहाँ पे कुछ कर रहे थे, शायद शूटिंग, फोटोग्राफी, रील्स मेकिंग, जो भी था। हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो हम भी एक्सप्लोर करने के लिए पहले वहाँ चले गए। तो हमने देखे ऊंचे ऊंचे पेड़ जो कि देवदार के थे वहाँ पर, एंड हमने कहा कि हम भी थोड़ी बहुत यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो इस मैदान में आकर हमने देखा कि यहाँ पर दो गैया माता हैं जिनके साथ में बच्चे खेल रहे हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, एंड कुछ लोग इसे खाने को भी दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि ये तो यहाँ पे परेशान हो रही हैं, बेटा इसे प्यार करने लगा तो ड्राइवर भैया थोड़ा सा साइड में ले आए कि ये सबसे छोटी गाय हैं। भैया को पता था कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, लेकिन हमारे पास कुछ भी खाने को तो नहीं था तो हम इसे कुछ भी दे नहीं पाए, तो थोड़ा सा खेल करके हमने उसे छोड़ दिया ताकि वो भी आराम से इंजॉय कर सके हमारी तरह जैसे हम कर रहे थे। तो यार हम आगे निकल गए गाय के साथ खेल करके अपनी आगे की जर्नी की ओर, मंदिर की ओर। ये मंदिर का मुख्य द्वार था जिससे कि हमने एंट्री की। मंदिर की यात्रा में हमें मिल गया यहाँ पे हैंडपम्प, जो कि हमने कोई मौका नहीं छोड़ा पहाड़ों का पानी पीने में, हमने फटाफट से अपनी बॉटल भर ली। बेटे ने फर्स्ट टाइम हैंडपम्प देखा था कि क्या होता है हैंडपम्प, जो कि उसने अभी तक सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स में ही पढ़ा हुआ था। मैंने हैंडपम्प से पानी पोल किया एंड उसने बॉटल में भर लिया। बॉटल रख ली मैंने अपने बैग में एंड हमने बोला ओम नमः शिवाय, घंटी बजा दी है और हम अंदर आ गए हैं। आगे बढ़ लिए हम मंदिर की ओर, जहाँ पे चारों ओर घंटियाँ लगी हुई थी और इतने ही मीठे सुर निकल के आ रहे थे इन घंटियों में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। हमने फिर भी वेट की कि थोड़ा सा रश कम होगा तब हम अपनी शूटिंग करेंगे एंड घंटी बजाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट एक्साइटिंग और बहुत ही अमेजिंग पार्ट होता है। तो ओम नमः शिवाय और घंटियों की गूंज के साथ हमें दिख रहा था फाइनली हमारा मंदिर, जो कि अब हमारे सामने था। मंदिर में घुसते ही हमने सबसे पहले जो देखा वो था ये पेड़। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, ये एक त्रिशूल रूपी पेड़ था जो कि त्रिशूल के आकार में बना हुआ था। हमने इसकी भी वीडियो बना ली और इस पेड़ के नीचे सबने धूप बाती कर रखी थी, तो हमने सोचा हम भी करेंगे धूप बाती, लेकिन इस बार बेटे से करवाएंगे। धूप को उसने क्ले समझकर इतना टाइम लगा दिया बाती बनाने में कि उसको मज़ा ही आ गया कि ये कौन सी अलग ही न्यू क्ले मॉडलिंग आ गई है। तो उसको मैंने थोड़ा सा गाइड किया कि ऐसे इस शेप में आपको बाती बनानी है ताकि वो खड़ी भी हो सके। तो फाइनली उसने अपनी क्ले मॉडलिंग वाली धूप बाती बना के तैयार कर दी। फिर हमने बड़ी स्ट्रगल की उसको जलाने में, वो जली नहीं रही थी, शायद इसलिए क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी वहाँ पे। तो हमने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, माचिस जलाई वो बुझ जाती थी, माचिस जलाई फिर बुझ जाती थी। इस तरह हमने बहुत सारी माचिस वेस्ट की और फिर इसको हम कोने में ले जा कर के जला कर पहले लेकर आए और उसके बाद हमने धूप बाती की, आरती की और बेटे से भी आरती करवाई भगवान जी की।
हाथ जोड़कर पूजा करके अभी हम थोड़ी दूर चले ही थे तो हमने देखा मंदिर में नंदी जी बैठे हुए हैं जिनके कानों में कुछ लोग अपनी विशेष मांग रहे हैं। तो हम भी पहुँच गए उनकी कानों में कुछ कुछ कहने के लिए। ज़्यादा विशेष तो नहीं मांगी लेकिन थोड़ी बहुत बातें हमने की और इसको भी बोला कि तेरे को भी कुछ चाहिए तो मांग लेना, आपको मिल जाएगा। पर मुझे पता है इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए एक पेट डॉग। तो देखते हैं इसे मिलेगा कि नहीं। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने भी नंदी जी के कानों में आके खुसफुस कर ली और फिर हम भर रहे हैं जल गड़वी में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। और ये मैंने गड़वी में जल भर लिया है और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने सॉक्स पहन रखी थी तो मैंने कहा मैं ही चढ़ाऊंगी। तो मैं पैर जमा जमा करके ऊपर ध्यान ध्यान से चढ़ी क्योंकि फ्लोर बहुत स्लिपरी था। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हम निकल लिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर और रास्ते में बना लिया इसने अपना फेवरेट फ्रेंड। तो हमारे ड्राइवर भैया हमें यहाँ ले आए। ये एक ओवर रिवर ओवर ब्रिज है जो कि आने वाले कुछ टाइम में एक टूरिस्ट पॉइंट बनने वाला है और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस थी जिसके ऊपर चढ़ चढ़ के हमने ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। फिर रास्ते में हमें मिली एक प्यारी सी रिवर जिसके ऊपर आप देख रही हैं एक सीमेंटेड रास्ता बना दिया है। तो हम रास्ते पर खड़े थे और उसके नीचे रिवर थी तो हम पानी से थोड़ा बहुत खेलने लग गए और इतना सुंदर लग रहा था नज़ारा हमें कि मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के वीडियोग्राफी भी करी हमने। और आसपास हमें लेकिन डर भी लग रहा था कि कोई शेर वगैरह या कोई जानवर ना आ जाए क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड्स निकलते हैं। और फाइनली हम आ गए थे एक ऐसी जगह पर जो कि एक ड्राई रिवर थी, एक सीजनल रिवर थी। तो बारिशों में ही यहाँ पर रिवर का पानी तेज़ होता है या पानी होता भी है। तो अभी तो कोई पानी ही नहीं था तो बिल्कुल ही ड्राई रिवर थी, बिल्कुल पत्थर वत्थर पड़े थे और ये ऊपर बड़ा सुंदर सा पुल था। तो मैं आसपास यहीं पर ही घूमने लग गई एंड बेटा भी थोड़ी दूर झाड़ियों में निकलने लगा। तो हमें डर लग गया कि शायद कोई जानवर आ सकता है, ज़्यादा दूर मत जाओ। ज़्यादा दूर उसे जाने नहीं दिया और वो वापस लौट के आ गया। लेकिन नीचे पड़े हुए जो सुंदर सुंदर पत्थर थे, आप मुझे बताना किसको पसंद हैं ये कलरफुल पत्थर जो होते हैं पानी में, रिवर्स में से निकलते हैं, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, ग्रे कलर के, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर जो होते हैं, मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन ये ड्राइवर भैया ने हमें बताया कि ये पत्थरों को घर नहीं लेकर जाना चाहिए, इनसे घर में भूत आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा डर गई और मैंने पत्थर फेंक दिए और फिर हम इस ब्रिज पर खेलने लग गए जिस पर मेरे बेटे ने कहा मम्मा आप तो मत ही आना नहीं तो इस ब्रिज ने तो टूट ही जाना है। बच्चों के भी अपने एडवेंचर होते हैं। इसने कहा मैं ब्रिज पे से तो नहीं आऊँगा, मैं ना पत्थरों पर से आऊँगा, देखता हूँ मैं गिरता हूँ कि नहीं। तो ये पत्थरों पर से ही पूरा क्रॉस करके आया और फिर इसकी स्माइल देख लो आप, जैसे इसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। हमारे ड्राइवर भैया लाए हैं हमें इस मंदिर में जहाँ मैंने उन्हें बोला था कि हमें ऐसे मंदिर लेकर चलो जहाँ पर मैं रुद्राक्ष के पेड़ मिलते हों। तो यहाँ पर थे रुद्राक्ष के पेड़ और ये था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। पहले हम कर लेते हैं मंदिर के दर्शन और फिर चलेंगे हम रुद्राक्ष के पेड़ के पास। ये थी इस मंदिर की खास बात जो कि था पहाड़ों से बने हुए शिवलिंग और यहाँ पर लोगों ने आकर के अपने त्रिशूल भी लगाए हुए थे। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद मैं तो पहुँच गई रुद्राक्ष के पेड़ के पास। ये लो जी मैंने तो उठा लिए रुद्राक्ष जो कि थी मेरी बरसों की तमन्ना, असली रुद्राक्ष को अपने हाथों से उठाना। और ये देख कर मेरा बेटा तो बहुत खुश हुआ। हम काफ़ी थक चुके थे तो हमने कुछ खाने के लिए हम यहाँ पहुँचे दादाजी की रसोई पर। यहाँ की खास बात यह है कि आप जो भी इन्हें ऑर्डर करते हो, जो भी कुछ आपको खाना है वेजिटेरियन ओनली, ये उसी टाइम आपको बना के देते हैं। तो यार हमने यहाँ पे अपने लिए लंच ऑर्डर किया क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। लंच करके हम अपने पहुँच गए होटल और
चिल करने लग गए अपनी हैंगआउट वाली प्लेस पे। सारे दिन की थकान के बाद हम आ गए अपने आने वाली धाम पे, अपने होटल, और आसपास के नज़ारों को एंजॉय करने लगे। आप भी देखिए, इतना ही सुंदर व्यू था होटल से। अगर आप लैंसडाउन में कोई होटल सर्च कर रहे हैं या इन फ्यूचर कभी भी लैंसडाउन आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इस होटल को प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। होटल ओक ग्रूव इन इसका नाम है। बहुत ही बजट होटल है, सुंदर इसके रूम्स हैं, और इंटीरियर तो मैं आपको पहले ही वाले व्लॉग में दिखा ही चुकी हूँ। और ये बेटा हमारा कम्प्लीटली इंजॉय करता हुआ, रिलैक्स करता हुआ, और अभी हम बैठे ही थे हैंगआउट की प्लेस पे कि हमारे जो होटल के ओनर हैं वो शी इज़ वेरी स्वीट, वो आ करके उन्होंने हमें फ्रेश प्लम्स ऑफ़र करे ग्रीन सॉल्ट के साथ। आई डोंट नो आपने कभी सुना है कि नहीं, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना था ये ग्रीन सॉल्ट क्या होता है। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था ग्रीन सॉल्ट। और क्योंकि बेटा बोर हो रहा था, तो होटल की कुछ ही दूरी पे ये ग्राउंड था जहाँ पे बच्चे खेलते थे, तो हम अपने बेटे को वहीं ले गए कि थोड़ा बहुत ये भी खेल लेगा, एंड जो भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं इवनिंग के आवर्स में वो आप यहीं पर ही स्पेंड करके अपना डे ओवर करो। क्योंकि हम थोड़ी सी आज जल्दी होटल पहुँच गए थे, हमारे पास कुछ था नहीं करने को, दो ही लोकेशंस हमने देखे और हमारा पूरा डे कवर हो गया। यहाँ पर इसने बच्चों के साथ में क्रिकेट खेला, बहुत इन्जॉय किया, और मुझे भी कुछ आंटियाँ मिल गई जिनके साथ मैंने गॉसिप किया। फाइनली दिन ख़त्म हो गया और हमने होटल के जो ओनर थे उन्होंने हमें इनवाइट किया था साथ में डिनर करने को, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।